आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में हम आज जब बात करेंगे आपसे कि कैलकुलस होता क्या है, जब कैलकुलस के बारे में बात करेंगे तो कैलकुलस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्ड कैलकुलस, कैलकुलस जो होता है वो मैथमेटिक्स का, खास करके इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो आएगा आपको वो कैलकुलस है। कैलकुलस का वास्ट यूज है इंजीनियरिंग में। और अभी जो हम लोग कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस के बारे में हम लोग पहले आइडिया लेंगे कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और किन किन पार्ट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, कैलकुलस होता क्या है। तो बोलता है द स्टडी ऑफ चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस। किसको कैलकुलस बोलते हैं? स्टडी ऑफ चेंज, किसी चीज के अंदर में किस तरह से चेंज आ रहा है उसी चेंज को हम लोग कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ चेंज। तो हम लोग चेंज की स्टडी करते हैं, क्या चेंज आ रहा है दुनिया में। आज आप देखेंगे तो हर चीज के अंदर में चेंजेस आ रहा है, हर चीज बदल रही है, हर चीज बदल रही है, हर दिन हर चीजें बदलती रहती हैं, चेंजेस आता रहता है। ये चेंज किस तरह से आता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर में, कैलकुलस के अंदर में। जब कैलकुलस के बारे में बात करेंगे तो आप देखिएगा कि कैलकुलस का दो सबसे मेन आइडियाज होता है। देयर आर टू मेन आइडियाज ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का दो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कैलकुलस का। इन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या है? डिफरेंशिएशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर रहे हैं, समझिएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। बोलता है कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। समथिंग इज चेंजिंग बोलता है क्या कि किसी चीज के अंदर में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। किसी चीज के अंदर में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में जब बात कीजिएगा तो हम लोग फिजिक्स के अंदर में निकालते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये जो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं फिजिक्स के अंदर में, ये किसका यूज करके निकालते हैं? तो डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालते हैं। किसका यूज करके निकालते हैं? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में ही आप लोग क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर में पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या देता है बच्चा? गिव्स एक्सीलरेशन। क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। तो ये जो हम लोग निकालते हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ये किसका यूज करके निकालते हैं? तो डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या? द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। किसी चीज के अंदर में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है इसी को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। सेकंड नंबर इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रेशन कहते हैं किसको? सबसे पहले इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, दोनों के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन तो बोलता है द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग इज accumulating। किसी चीज में कितना ज्यादा accumulation हो रहा है। The study of how much something is accumulating। कोई चीजें कितना ज्यादा इकट्ठा हो रही है। Accumulate बनने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, यानी sum up होना, जुड़ना।
इसको बोलते हैं जुड़ना या इकट्ठा होना, एक्युमुलेट होना, यही होता है क्या इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ बच्चा कि किसी भी चीज में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, यहां भी चेंज है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, तो बोलता है द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग इज एक्युमुलेटिंग, चीजें कितना ज्यादा इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, जुड़ रही है, इसमें भी चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है, पहले थोड़ा सा था फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो ये चीजें बदलती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन, समझ में आया कि इंटीग्रेशन किसको कहेंगे और डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में और भी चीजें की बात करेंगे, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट था। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, जब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि जो चीज सबसे पहले आई वो था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बाद में आया, सबसे पहले आया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आया था बाबू लगभग 250 BC, मतलब 250 साल बिफोर क्राइस्ट ये अस्तित्व में आया था, यानी इस टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हम लोग इसको कब पढ़ रहे थे, 250 BC, मतलब 250 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि कैसे कोई चीजें जुड़ती हैं, हाउ मच समथिंग इज एक्युमुलेटिंग, ये पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने 250 BC में। जबकि डिफरेंशिएशन जो है वो आया था लगभग 17th century में, 17th century मतलब काफी ज्यादा टाइम हुआ, मतलब सबसे पहले इंटीग्रेशन आया, उसके बाद कौन आया, डिफरेंशिएशन आया। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग चीजें थी 18th century तक इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। हम लोग कैलकुलस के अंदर में नहीं पढ़ते थे, हम लोग सिंपल पढ़ते थे इंटीग्रेशन को अलग, डिफरेंशिएशन को अलग। बट 18th century में क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों को एक जैसा पढ़ा जाने लगा, जिस चैप्टर का नाम रखा है कैलकुलस। अब जब बोलेंगे कि कैसे दोनों इकट्ठे हो गए, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या देखा 18th century में कि जो चीजें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करके जो लाते हैं उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। क्या देखा कि जिस चीजों को हमने डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल प्रोसेस हो गया, यानी ऐसा हो गया कि समझ लीजिए कि हमने डिफरेंशिएट करके जो लाया उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो अब 18th century के बाद जाकर हमको ये पता चला कि दोनों के बीच में रिलेशन है, पहले हमको नहीं पता था कि दोनों के बीच में रिलेशन है, बट जैसे ही हम 18th century में गए तो हमें पता चला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों के अंदर में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल, यह समझ लें कि रिवर्स प्रोसेस है, एक दोनों एक दूसरे का क्या है रिवर्स प्रोसेस है। तो इसके बाद जब ये 18th century में हमको पता चला कि ये रिवर्स प्रोसेस है, उसके बाद इंजीनियरिंग में वास्ट चेंजेस आए। आज आप इंजीनियरिंग में जितनी भी डेरिवेशन पढ़ते हो, जितनी भी चीजें पढ़ते हो, सारी चीजें जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ोगे, जब आप अपने पेपर पे पढ़ोगे, जब अपने ब्रांच पेपर में पढ़ोगे, तो पाओगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वास्ट यूज है। इसी से हम लोग इंजीनियरिंग में फील्ड में बहुत ज्यादा यूज आता है, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बढ़िया से पढ़िएगा, ये आपको लाइफ टाइम जब तक आप स्टडी कीजिएगा तब तक आपको काम देगा, इसलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन को ऐसे मत डिफाइन कीजिएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोई पूछा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने बोल दिया इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इट्स नॉट अ डेफिनेशन, इट्स अ रिलेशन, एक दूसरे का अपोजिट है, ये रिलेशन है ना कि डेफिनेशन। समझ में आ गया बात। तो जब हम लोग डेफिनेशन और रिलेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, जब डेफिनेशन लेंगे तो द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग इज एक्युमुलेटिंग, इसको कहेंगे इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन अलग। जब रिलेशन की बात करेंगे थोड़ी डिफरेंट चीज होगी।
अब हम रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, समझिएगा। बोलता है क्या कि जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बाबू देखा जाए, बोलता है क्या कि ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और ये है इंटीग्रेशन, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही फंक्शन मिलेगा, मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसको इंटीग्रेट कर दिया फिर से वही फंक्शन वापस मिल गया, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो ये रिलेशन है, क्या है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दिस इज द रिलेशन नॉट द डेफिनेशन। अब हम लोग एक एक करके दोनों चीजें पढ़ेंगे अपने अदर वीडियो में, डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। फिलहाल ये था कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।